रामायण को जीवन का आदर्श बना लो और रामायण में जो भी है उसी का अनुसरण करो। कभी जीवन में भटकाव नहीं होगा और कभी भ्रम नहीं होगा और कभी धर्म के नाम पर आप ठगे नहीं जाओगे। आज धर्म के नाम पर बहुत कुछ इस देश में हो रहा है और विडंबना तो यह है कि कोई आधिकारिक व्यक्ति बोलने को तैयार भी नहीं। भोली भाली जनता कहां जाए? ऐसी स्थिति में उत्तम मार्ग यही है, रामायण को अपने पास रखो। पास का मतलब अपने हृदय में, और रामायण में जो है उसी का अनुसरण करते रहो, आपका जीवन दिव्य और मंगलमय होगा। कल की कथा में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान दंडकारण्य पधारे, अगस्त मुनि से मिले। अगस्त मुनि से मिलना भगवान का अनिवार्य था, क्योंकि अगस्त मुनि अभी तक दक्षिण भारत में राक्षसों का जो आतंक था, उस आतंक से धर्म को किसी ने बचाया था तो अगस्त मुनि ने बचाया था, नहीं तो ये तो पूरा दक्षिण देश राक्षसों की भूमि हो जाती। अगस्त मुनि ने कैसे बचाया? सुतीक्ष्ण जी जो अगस्त मुनि के शिष्य हैं वो भगवान के साथ में थे। सुतीक्ष्ण मुनि ने कहा कि आपके साथ मैं भी चलूंगा और अपने गुरुदेव भगवान का दर्शन करूंगा। बहुत दिन हुआ मैंने अपने गुरुदेव भगवान का दर्शन नहीं किया है। एव मस्तु करी रमानिवासा, एव मस्तु करी रमानिवासा, धरसी चले कुंभ जे ऋषि पासा, धरसी चले कुंभ जे ऋषि पासा। बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए, बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए, भय मुहिए ही आश्रम आए, भय मुहिए ही आश्रम आए। एव मस्तु करी रमानिवासा, एव मस्तु करी रमानिवासा, सुतीक्ष्ण मुनि ने कहा मैं भी आपके साथ चलूं। बहुत दिन हुआ मैंने गुरुजी का दर्शन नहीं किया, आज आपके साथ मैं दर्शन करूं। बोले वहीं पास में अगस्त मुनि रहते थे, जहां सुतीक्ष्ण मुनि का निवास वहीं से बहुत ज्यादा दूर नहीं, चाहते तो सुतीक्ष्ण मुनि जाकर के अपने गुरुजी का कई बार दर्शन कर लेते। लेकिन आज सुतीक्ष्ण जी कह रहे हैं कि बहुत दिन हुए मैंने गुरुजी का दर्शन नहीं किया, चलें और चल करके आपके साथ गुरुजी का दर्शन कर ले। बोले भगवान के साथ गुरुजी का दर्शन करने जा रहे, गुरु के दर्शन का फल है भगवान का दर्शन है? गुरु के दर्शन, गुरु की कृपा और गुरु के चरणों के आश्रय का फल क्या है? बोले भगवान, भगवान के लिए ही तो गुरु का आश्रय लिया जाता है। और जब भगवान का दर्शन हो ही गया, भगवान द्वार पर चल करके आ गए, तो अब भगवान से कहते हैं अब आपके साथ हम गुरु जी का दर्शन करने चलेंगे। क्यों? ले इसलिए कि भगवान के दर्शन से और भगवान की कृपा से बढ़कर गुरुदेव की कृपा का महत्व है। अगर गुरुदेव न होते, गुरुदेव की कृपा न होती, तो भगवान का दर्शन कहाँ होता? और गुरु की आवश्यकता केवल यही नहीं होती, परलोक में भी गुरु की कृपा से ही गति की प्राप्ति होती है। परलोक में भी कल्याण होता है तो गुरु की ही कृपा से। हमारे यहां आचार्य जन कहते हैं कि दत्ते रंगी निजमपि पदम देशिका देशकांक्षी, दत्ते रंगी निजमपि पदम,
भगवान अपना वैकुंठ भी किसी जीव को तब देते हैं जब उसके गुरु की अनुमति भगवान को मिल जाती है। उसके गुरु भगवान को अनुमति देते हैं कि हाँ प्रभो, ये अधिकारी है, इसको आप वैकुंठ में प्रवेश दे दीजिए, तब भगवान उस जीव को वैकुंठ में प्रवेश देते हैं। और यही आचार्य कहते हैं, नित्यम यदीय चरणौ शरणम मदीयम। यहां भी और परलोक में भी गुरु का चरणारविंद ही उद्धार का हेतु है। इसलिए अगस्त मुनि का दर्शन करने के लिए सुतीक्ष्ण जी चल पड़े। और एक बड़ा सुंदर भाव जो हमारे संत जन कहते हैं, कहीं लिखा नहीं है, लेकिन संतों का भाव है कि सुतीक्ष्ण जी महाराज जब अपने गुरुजी के पास रहते थे, गुरुजी की सेवा करते थे, एक दिन गुरुजी को कहीं जाना था किसी कार्य से, तो अपने शालिग्राम भगवान की सेवा उनको सौंप दी। बोले बेटा, इन शालिग्राम भगवान की सेवा करना, मैं 2-4 दिनों में लौट करके आ रहा हूं। तो सुतीक्ष्ण जी महाराज शालिग्राम भगवान की रोज सेवा करते, लेकिन बालक ही थे, बाल बुद्धि। एक दिन फल तोड़ना था, तो फल तोड़ने के लिए कोई पत्थर नहीं मिला, तो शालिग्राम भगवान को ही उठाया और उन्हीं से मार करके फल तोड़ा। फल तो मिल गया, लेकिन भगवान कहां गए पता नहीं। ये बड़ा सुंदर संकेत है। क्या संकेत है? बोले भगवान समस्त धर्म कर्मों के फल हैं, लेकिन संसार के फल को पाने के लिए भगवान को साधन बनाया, भगवान को साधन बनाया। और परिणाम क्या हुआ? बोले जब जीव अज्ञान के कारण संसार के तुच्छ फलों को प्राप्त करने के लिए भगवान को साधन बनाता है, तो भगवान वो फल तो दे देते हैं, लेकिन भगवान दूर चले जाते हैं। ये सिद्धांत है, भगवान दूर चले जाते हैं, भगवान चले गए। अब सुतीक्ष्ण जी ने बहुत खोजा, वो भगवान मिले ही नहीं, शालिग्राम भगवान। डर भी हुआ, गुरुजी आएंगे कहेंगे मेरे भगवान को तुमने क्या किया। तो सुतीक्ष्ण जी ने सोचा, काले काले भगवान थे तो कोई काली वस्तु ला करके रख दे। अब कोई वैसा चिकना सुंदर चमकदार पत्थर भी नहीं मिला, तो बाल बुद्धि, कितनी बुद्धि। गए, देखा जाकर के जामुन के वृक्ष के नीचे एक पका हुआ जामुन काला काला गिरा था, उसी जामुन को ला करके पोछ करके बढ़िया सिंहासन में पधरा दिया, तिलक लगा दिया, चंदन लगा दिया, फूल तुलसी चढ़ा दी। गुरुजी आए, और जब गुरुजी आए तो गुरुजी ने कहा, लाओ भगवान की अब सेवा मैं करूं। अब गुरुजी ने जब सेवा करना शुरू किया महाराज, तो रोज खूब नहलाते थे शालिग्राम भगवान को, फिर हाथ में लेकर के ऐसे मालिश करते थे भगवान की। नहलाने के बाद जब गुरुजी ऐसे ऐसे मालिश करने लगे, थोड़ा जोर लगा करके मालिश किया, तो सट से जामुन छटक गई महाराज, गूदा अलग हो गया, बीज अलग हो गया। अरे ये क्या हुआ आप तो? गुरुजी नाराज हुए, बुलाया, अरे इधर आओ। सुतीक्ष्ण आए, बोले क्या किया तुमने मेरे भगवान को, कहाँ फेंक दिया, क्या कर दिया? सुतीक्ष्ण जी ने कहा, क्या हुआ? बोले ये भगवान नहीं है, ये तो जामुन फल था, सब गल गया, अलग हो गया। अब तो सुतीक्ष्ण जी डर गए, और सुतीक्ष्ण जी ने कहा, गुरुजी हमारी कोई गलती नहीं। बोले क्यों? बोले रोज रोज आप इनको पानी में नहलाते थे, भिगोते थे, इसीलिए भगवान गल गए। पुनी पुनी अच्छत पुनी पुनी पानी, और ठाकुर गल गए हम का जाने। रोज रोज आप पानी चढ़ाते थे, रोज इनको नहलाते थे, रगड़ते थे, ये गल गए भगवान, हम क्या करें, हमारी कोई गलती नहीं है। अब तो गुरुजी और नाराज हुए। गलती करने के बाद भी व्यक्ति जब चतुराई करता है तो बड़े जनों को क्रोध आना स्वाभाविक। गुरुजी ने कहा, भाग जा यहां से, मेरे सामने दिखाई मत पड़ना, अब मेरी आंखों के सामने मत पड़ना, और तब पड़ना जब मेरे भगवान को लेकर के आना, तब मेरी आंखों के सामने पड़ना। इसीलिए सुतीक्ष्ण जी भय के कारण गुरुजी के पास नहीं गए। लेकिन आज जब साक्षात भगवान श्री सीता रामचंद्र जी इनके यहां आए, तो सुतीक्ष्ण जी ने कहा, अब मैं आपके साथ अपने गुरुजी का दर्शन करने चलूंगा, क्योंकि गुरुजी ने कहा था आप सामने बताना, आना तो मेरे भगवान को लेकर के आना। तो आज भगवान को लेकर के गुरुजी का दर्शन करने जा रहे हैं। तुरत कहते तुरत सुतीक्ष्ण गुरु पहि गयहु, तुरत सुतीक्ष्ण
सद गुरु पर गयो हरि दंडवत कहत अस भयो कर दंडवत कहत अस भयो नाथ कौशिला दीस कुमारा नाथ कौशिला दीस कुमारा आए मिलन जगत आधारा आए मिलन जगत आधारा आए मिलन जगत आधारा। गुरु जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और सुतीक्ष्ण जी ने कहा गुरुदेव भगवान कौशलाधीश जगत के जो आधार हैं वो ये देखो आपसे मिलने आ गए। अगस्त मुनि बड़े प्रसन्न हुए, खूब आशीर्वाद दिया और फिर तो भगवान ने अगस्त मुनि का दर्शन किया। अगस्त मुनि ने दक्षिण दिशा में धर्म की बहुत बड़ी रक्षा की। दक्षिण में जो भी संस्कृति है, यहां की स्थापत्य कला, द्राविड़ी भाषा, इन सब के प्रवर्तक अगस्त मुनि। यहां दक्षिण देश में जब असुरों का अत्यधिक आतंक था, असुर लोग मुनि महात्माओं को मार करके खा जाते थे, तो अगस्त मुनि जब आ गए दंडकारण्य में तो मुनियों की रक्षा हुई। दो राक्षस बड़े भयानक थे, एक का नाम था आतापी और एक का नाम था बातापी, ये दोनों भाई थे। आतापी और बातापी, और इन्हीं का नाम इल्वल और बिल्वल। इल्वल और बिल्वल नाम के ये दो असुर, इन्हीं को आतापी और बातापी, ये दोनों बड़े बदमाश थे महाराज। ऋषि मुनियों को मारने के लिए ऐसी योजना बनाई कि आतापी ब्राह्मण का वेश धारण कर लेता और श्राद्ध का आयोजन करता, और उसका भाई जाकर के ब्राह्मणों को निमंत्रण दे देता, आज मेरे यहां श्राद्ध है, भोजन करने आओ। और श्राद्ध का तो नियम है कि श्राद्ध में अगर किसी ने निमंत्रण दिया है भोजन करने के लिए तो वो निमंत्रण अनिवार्य होता है, और कोई निमंत्रण अनिवार्य नहीं होता। विवाह में, यज्ञोपवीत में, किसी अन्य संस्कार में किसी ने आपको निमंत्रण दिया, आपको नहीं मतलब ब्राह्मण को, ब्राह्मण भोजन कराने के लिए ब्राह्मण को निमंत्रण मिला कि मेरे यहां अमुख पर्व पर आप हे ब्राह्मण देवता भोजन करने पधारो, तो अन्य कार्य में ब्राह्मण अगर किसी कारण से न भी जाए तो कोई दोष नहीं होता, लेकिन श्राद्ध में अगर निमंत्रण दिया है तो श्राद्ध में उसे ब्राह्मण को जरूर जाना चाहिए, अनिवार्य निमंत्रण होता। तो वो श्राद्ध का नाटक करता और उसका भाई जाकर के ऋषियों मुनियों को निमंत्रण दे दे, आज मेरे यहां श्राद्ध है, आप भोजन करने आओ। और ब्राह्मण जब भोजन करने जाए तो उसका भाई जो बातापी था वो क्या करता था, बोले मायावी था, वो भोजन में घुस जाए माया के द्वारा, और जब वो महात्मा लोग भोजन करें तो उनके पेट में चला जाए, और भोजन के माध्यम से पेट में जब चला जाए तो जब श्राद्ध पूरा हो जाए तो उसका भाई जो आतापी था वो अपने भाई को बुलाता, बातापे निष्क्रमस्वेती, अरे बातापी तुम निकलो कहाँ हो। तो बातापी कहता मैं तो इनके पेट में हूं, बोले बाहर आओ, और इतना कहते ही वो पेट फाड़ करके बाहर आ जाता, तो महात्मा बेचारे मर जाते, फिर दोनों भाई उनमें खा करके समाप्त कर देते। इस प्रकार कितने महात्माओं को, संतों को मार डाला। ये समस्या लेकर के ऋषि मुनि अगस्त मुनि के पास गए, बोले मुनिवर ये बहुत बड़ी समस्या है। अगस्त मुनि ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, इस बार जब वो निमंत्रण देने आवे तो हमारे पास भेज देना। फिर वो निमंत्रण लेकर के आया कोई दूसरा रूप बना करके, तो अगस्त मुनि के पास आया। अगस्त मुनि ने कहा ठीक है मैं तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार करता हूं और मैं आऊंगा भोजन करने। अगस्त मुनि गए भोजन करने के लिए, फिर वही सब प्रक्रिया हुई, वो बातापी पेट में घुस गया, उसके भाई ने बुलाया,
बातापे निष्क्रमस्वेति। हे बातापी, तुम बाहर निकलो। स्वरेण महता वदन, बड़े जोर से बोला, बातापे निष्क्रमस्वेति, कोई आवाज नहीं आई। फिर बुलाया, बातापे निष्क्रमस्व, हे बातापी निकलो। अगस्त मुनि ने कहा, वो निकलने वाला नहीं है, उसको हमने पेट में ही पचा दिया। अगस्त मुनि ऐसे महात्मा थे, समुद्र को पी गए। कुंभज ऋषि, समुद्र का पान कर लिया था अगस्त मुनि ने। तो अगस्त मुनि ने उस बातापी को अपने पेट में जब पचा दिया, तो उसका भाई आतापी जो था वो भागने लगा भय के कारण। अरे ये तो बड़े भयानक बाबा जी। और जब वो भागा तो अपनी दृष्टि के द्वारा महर्षि अगस्त ने उसको भी भस्म कर दिया। इस प्रकार आतापी बातापी को मार करके अगस्त मुनि ने दक्षिण दिशा को और वहां के रहने वाले महात्माओं को निर्भय किया है। भगवान ने आकर के अगस्त मुनि का दर्शन किया। अगस्त मुनि ने भगवान को अनेक अस्त्र शस्त्र दिए। जब अगस्त मुनि के यहां भगवान पहुंचे, उस समय इंद्र, वरुण, कुबेर, ये सारे देवता अगस्त मुनि के आश्रम में आकर के अपनी अपनी वेदिकाओं पर विराजमान थे। अगस्त मुनि के प्रभाव से स्वर्ग के देवता भी उनके आवाहन पर आकर के उनकी पूजा को प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करते थे। सतत्र ब्रह्मण स्थानम अग्ने स्थानम तथैव च विष्णो स्थानम महेन्द्रस्य स्थानम चैव विवस्वतः। भगवान विष्णु की वेदिका, चंद्रमा की वेदिका, सूर्य भगवान की वेदिका, राम जी ने सब देखा। 17 देवता वहां पर उपस्थित थे। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, महर्षि अगस्त का ये आश्रम है, ये सारे देवता उनके आवाहन पर आए हुए हैं। और फिर भगवान अगस्त मुनि को जाकर के प्रणाम करते हैं। अगस्त मुनि ने भगवान को आशीर्वाद दिया और अगस्त मुनि ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र भगवान को प्रदान किए। अगस्त मुनि ने कहा कि ये शस्त्र मैं जो दे रहा हूं, अनेन धनुषा राम हत्वा संखे महासुरान, ये दिव्य धनुष मैं तुम्हें जो दे रहा हूं, इस धनुष के द्वारा आप असुरों का संहार करोगे। आजहार श्रियम दीप्ताम पुरा विष्णुर दिवौकशाम। अगस्त मुनि ने भगवान को दिव्य धनुष और अक्षय तूणीर प्रदान किया। और फिर अगस्त मुनि ने श्री जानकी जी की बड़ी प्रशंसा की। अगस्त मुनि ने कहा, राम, ये तुम्हारी पत्नी सीता सर्वोत्तमा नारी है। जैसे भगवान पुरुषोत्तम है, पुरुषों में उत्तम है, उसी तरह सीता जी नारियों में उत्तम है। नारीणाम उत्तमा बधूहु। किन कारणों से? तो अगस्त मुनि कहते हैं कि स्त्रियों में 3 प्रकार के दोष स्वाभाविक रूप से होते हैं। कौन कौन से दोष? तो अगस्त मुनि कहते हैं, सतहृदानाम लोलत्वम। सतहृदानाम लोलत्वम, जैसे बिजली में चंचलता होती है, उसी तरह नारियों में स्वाभाविक रूप से चंचलता होती है। इसीलिए बिजली का एक नाम ही चंचला है। चंचला माने बिजली। चंचला चपला विद्युत तड़ित सौदामिनी, ये विद्युत के पर्याय है। तो चंचला, तो जिस तरह बिजली चंचला होती है, उसी प्रकार नारियों में चंचलता स्वाभाविक होती है। और शस्त्राणाम तीक्ष्णताम तथा, और जिस तरह शस्त्र में, तलवार में, छुरी में धार होती है, उसी तरह इनके अंदर तीक्ष्णता भी बहुत ज्यादा होती है। हाँ, और तीसरा बोले गरुणा निलयो सैघ्यम। और स्त्रियों में गरुणा निलयोह सैघ्यम, सैघ्यम माने जल्दबाजी, किसी काम की जल्दबाजी भी होती है। ये 3 स्वाभाविक दोष
दोष कहो अथवा स्वभाव कहो, जो भी कहो, ये स्त्रियों में स्वाभाविक रूप से होता है। लेकिन अगस्त मुनि कहते हैं, राम इयम तु भवतो भार्या, आपकी ये जो भार्या सीता है, दोषै रेतैर विवर्जिताः, इन तीनों प्रकार के दोष से रहित है। सीता के अंदर चंचलता भी नहीं है, सीता जी के अंदर तीक्ष्णता भी नहीं है, और गरुणा निलयोः सैघ्यम, गरुण और अनिल के समान, गरुण और वायु के समान शीघ्रता यह भी नहीं। और ये तीन जो स्वभाव है, इस स्वभाव को नारी अपने जीवन में नियंत्रण करे, यही सीता जी के चरित्र का उपदेश है। ये सीताराम जी का चरित्र किसके लिए? राम जी का चरित्र पुरुषों के लिए है और सीता जी का चरित्र नारियों के लिए। राम जी के चरित्र को देखकर, राम जी के चरित्र में अपने चित्र को देखकर हम अपना सुधार करें। राम जी का चरित्र क्या है? बोले राम जी का चरित्र दर्पण है। दर्पण माने हा? सीसा, हाँ, शीशे को दर्पण कहते हैं, कांच, दर्पण। तो राम जी का चरित्र दर्पण है। और दर्पण का काम क्या है? बोले दर्पण में कुछ नहीं होता, दर्पण निर्मल होता है। लेकिन दर्पण के सामने आप खड़े हो जाओ तो दर्पण आपकी कमी बता देता है। आपकी नाक टेढ़ी है, आपका काजल बिगड़ा हुआ है, आपके बाल उलझे हुए हैं, वो दर्पण आपकी सारी कमी बता देगा। दर्पण सत्य बोलता है, झूठ नहीं बोलता, दर्पण सत्यवादी है। तो भगवान का चरित्र परम सत्य है और दर्पण है। उस राम जी के चरित्र रूपी दर्पण में अपना चित्र देखो और जहां तुम्हें लगे कि कुछ गड़बड़ है उसका सुधार कर लो, ये रामचरित्र है। और उसी प्रकार श्री जानकी जी का चरित्र नारियों के लिए आदर्श है। आदर्श माने दर्पण। लोग कहते हैं ना, हमारे अमुख आदर्श हैं, हमने उनको अपना आदर्श माना है। तो आदर्श का मतलब ही शीशा होता है, शीशे को ही आदर्श कहा जाता है। आदर्श का मतलब आसवंता दर्शयति, जो आपके रूप को आपको ही दिखा दे उसी का नाम आदर्श। तो सीता जी के चरित्र में नारियां अपने चरित्र को देखकर अपना सुधार कर ले और पुरुष राम जी के चरित्र को देखकर अपने चरित्र का सुधार कर ले, यही सीता राम जी के चरित्र को सुनने का और अनुभव करने का फल है। इसीलिए सुना जाता है।